हेलो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की मीनिंग क्या होती है चेक की मीनिंग क्या होती है एंड इसके फीचर्स क्या होते हैं सिमिलरली प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज की मीनिंग एंड फीचर्स को भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले कि नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को देखते हैं ये एक्ट 1881 दैट इज 1881 एटी वन इज ईयर इस ईयर में पास आउट हुआ है किसी भी एक्ट के सामने जो ईयर मैंशन होता है वो डिनोट करता है कि वो एक्ट उस ईयर में पास आउट हुआ है

Term हमारे सामने आ रहे हैं जिनसे मिलकर यह एक्ट बनाया है दैट इज निगोशियबल एन इंस्ट्रूमेंट तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि निगोशियबल मीनिंग क्या होती है तो द वर्ड निगोशियबलोशियबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो चीज ट्रांसफर होती है उसे हम निगोशियबल कहते हैं द वर्ड इज इंस्ट्रूमेंट तो इंस्ट्रूमेंट की मीनिंग क्या होती है द वर्ड इंस्ट्रूमेंट मीनस एनी रिटर्न डॉक्यूमेंट बाई विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जिससे किसी पर्सन के पास कोई राइट क्रिएट हो लाइक कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट मेरे

ऐसी चीज़ या ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो ट्रांसफरेबल हो किससे एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास अट ट्रांसफरेबल मीन्स ये नहीं कि सिर्फ मैंने बोल दिया कि ट्रांसफर हम कर रहे हैं ट्रांसफरेबल के साथ डिलीवरी का होना जरूरी है मतलब हम ट्रांसफर कर भी दें तो डिलीवरी के थ्रू ट्रांसफरेबल हो रहा हो लेकिन सेकेंड चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ऐसे ही कोई भी चीज़ हम किसी को दें तो वो निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगी क्योंकि वो बिजनेस पर्पज से होनी चाहिए कस्टमर ऑफ ट्रेड होना चाहिए उसमें लाइक लाइक like कैश हो गया या बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह भी इसमें आते हैं तो लाइक कैश एंड इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बींग स्वीड अपॉन बाई द पर्सन होल्डिंग इट फॉर द टाइम बिंग और अगर किसी के पास वो चीज़ है तो उसके पास ये भी होता है कि अगर इन केस कोई डिफॉल्ट हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आती है तो कोर्ट केस भी किया जा सकता है सो मतलब केस किया जा सकता है उसके पास इस चीज़ का भी पावर हो तो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या हो गया ट्रांसफरेबिलिटी होना जब एक चीज दूसरी चीज को ट्रांसफर की जा रही हो बाई डिलीवरी के थ्रू कस्टम ऑफ ट्रेड में की जा रही हो और ये भी कैपेबिलिटी रख रहा हो वो कि अगर वो कोई भी होल्ड करके रखा है तो उसके अगेंस्ट में या उसके थ्रू किसी को सीव किया जा रहा हो तो हम उसे निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं एक्चुअली जो निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट को डील करता है वो सेक्शन थर्टीन है पर सेक्शन थर्टीन में कहीं भी निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्ट मीनिंग नहीं डिफाइन की गई है सेक्शन थर्टीन ऑफ निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जिसे एन एक्ट कह रहे हैं एटीन एटी वन डज नॉट डिफाइन अ निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट बट उसमें डेफिनेशन तो नहीं गिवेन है लाइक like हमने आपको समझाई कि एग्जैक्टली exactly अगर उसके टर्म्स को देखा जाए कि एक टर्म को तो जो उसकी मीनिंग निकलती है तो इस तरह की मीनिंग सेक्शन में गिवन नहीं है पर सेक्शन में ये बता दिया गया है कि उसमें क्या चीजों को हम निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं मीन्स कौन सी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती हैं सो एज पर सेक्शन थर्टीन ऑफ द एक्ट अ अनगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक पेबल आइदर टू ऑर्डर और अ अयर तो सेक्शन एक्ट का क्या कहता है कि निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक जो कि पेबल हो ऑर्डर पे या बियर को इसी को हम निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ऐसा कहाँ लिखा गया है ऐसा निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 13 में मेंशन है ओके okay, तो हमें ये तो पता चल गया कि ये निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है अब हम इसके काइंड्स देखते हैं काइंड्स ऑफ निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट तीन काइंड होती है प्रोमिसरी नोट बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक जो कि उसके डेफिनेशन में ही मेंशन है इसी को हम निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि ये जो टाइप आप देख रहे हैं ये सेक्शन वन ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एटीन के अकॉर्डिंग है एटीन के अकॉर्डिंग कहता है कि निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट बाई स्टैच्यूट ये तीन है क्योंकि स्टैचूट में एक्ट में सेक्शन थर्टीन में गिवन यही तीन टाइम्स हैं लेकिन बाई कस्टमर और बाई यूजेज और भी हैं जैसे बैंक नोट हो गया डिमांड ड्राफ्ट हो गया शेयर वॉरेंट हो गया डिविडेंड वारंट हो गया हुंडी हो गया ये सब भी निगोशियेबल इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि बिजनेस पर्पज़ में यूज़ होते हैं और ये सब के सब कैरेक्ट्रिस्टिक्स मेंटेन करते ट्रांसफरेबिलिटी की राइट right. तो ये ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में बताया गया है कि ये निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एक स्टैट्यूट के थ्रू होता है और एक यूजर्स के थ्रू तो चूंकि हम नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट को पढ़ रहे हैं तो स्टैट्यूट के थ्रू सेक्शन थर्टीन में जो तीन चीज़ें कही गई हम यहाँ पे उसे डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम लेते हैं कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है तो प्रोमिसरी नोट को कहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है अंडर सेक्शन फोर में तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फोर अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू द बीर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो सेक्शन फोर में किसको डील किया गया प्रोमिसरी नोट को बोला किया गया कि प्रोमिसरी नोट क्या है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट है तो मतलब राइटिंग में होगा ही तो इंस्ट्रूमेंट है तो इन राइटिंग में होना चाहिए इन राइटिंग कंटेनिंग एंड अनकंडिशनल अंडरटेकिंग राइटिंग में क्या होना चाहिए एक अनकंडिशनल अंडरटेकिंग होनी चाहिए अनकंडिशनल अंडरटेकिंग मतलब एक ऐसी अंडरटेकिंग दैट इज शपथ एक ऐसा अंडरटेकिंग आप लोगे जो इसके साथ कोई भी कंडीशन अटैच नहीं हो प्लस उसमें वो किसके द्वारा साइन किया जाना चाहिए मेकर के द्वारा जिसने उसको लिखा हो उसके द्वारा वो साइन होना चाहिए उसमें क्या बात लिखी जानी चाहिए कि अनकंडीशनल अंडरटेकिंग के साथ ये भी मेंशन होना चाहिए कि सर्टेन सम ऑफ मनी को पे किया जाना है राइट right. किसको पे किया जाना है ओनली टू जिसको नाम मेंशन है उसे या और टू द ऑर्डर ऑफ या उसके ऑर्डर पे किसी और को अ सर्टेन पर्सन जिसका नाम मेंशन होगा और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर उसे जिसके पास ये इंस्ट्रूमेंट होगा बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो होल्ड करके रखा है राइट right? तो प्रोमिसरी नोट एक रिटर्न डॉक्यूमेंट्स होता है जिसमें अनकंडीशनल अंडरटेकिंग ली जाती है इंपॉर्टेंट बात होती है कि प्रोमिसरी नोट क्या होता है अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होती है जहाँ पे मेकर के द्वारा जाइन किया गया होता है सर्टेन सम ऑफ मनी की बात हो रही थी पे करने की बात होती है किसे पे करना होता है उस पर्सन को या उसके ऑर्डर पे किसी को या फिर जो भी उस इंस्ट्रूमेंट को बियर करके रखा है उसे तो उसे हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं हम इसकी रिक्वायरमेंट्स देख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स इन द सेंस इसके फीचर्स फीचर्स ऑफ प्रोमिसरी नोट क्या होता है तो फर्स्ट इज वॉट इट मस्ट बी इन राइटिंग ऑब्वियसली राइटिंग में होना बहुत जरूरी है सेकेंड द प्रोमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल यहां पे प्रोमिस होना चाहिए कि प्रामिस किस चीज़ का होना चाहिए कि पेमेंट की जाएगी पे करने की प्रॉमिस होना चाहिए लेकिन प्रोमिस टू तो पे मैं एक बात और मैंशन कर दूँ कि द वर्ड प्रोमिस इज नॉट इसेंशियल टू कॉन्स्टिट्यूट इंस्ट्रूमेंट एज अ प्रोमिसरी नोट एक्टली क्यों क्योंकि हम कुछ पे करेंगे और मस्ट बी अनकंडीशनल कंडीशन अटैच नहीं होनी चाहिए जैसे कि मैंने मान लो कि लिखा कि ए प्रोमिस टू पे बी रूपीज फाइव थाउजेंड सेवन डेज आफ्टर हिज मैरिज विथ सी तो मैंने कंडीशन क्या अटैच कर दी कि ए बी को तभी देगा पांच हजार रुपये जब वो मैरिज कर लेगा सी से उसके सात दिन के बाद तो अब यह प्रॉमिश री नोट होगा नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पे कंडीशन अटैच है तो कैसा पेमेंट का बात होना चाहिए अनकंडीशनल कोई कंडीशन अटैच ना हो नेक्स्ट इज वॉट अमाउंट प्रोमिस्ड मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट समी जो प्रोमिस किया जा रहा है कि मैं इतना अमाउंट पे करूंगा या करूंगी तो वो क्या होना चाहिए सर्टेन होना चाहिए पेमेंट होना, exactly होना है सपोज करिए आई प्रोमिस टू पे मिस्टर बी रुपीज फिफ्टी थाउजेंड एंड ऑल्सो डिलीवर हिम अगल डिजायर कार तो मैंने क्या कर दिया कि मैं प्रोमिस कर रही हूं बी को फिफ्टी थाउजेंड दूंगी और उन्हें एक स्विफ्ट डिजायर कार दूंगी तो अभी क्या हो गया फिफ्टी थाउजेंड तो सर्टेन होगा गया पर स्विफ्ट डिजायर कार का अमाउंट के हिसाब से

इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी साइन बाय द मेकर नेक्स्ट इज वॉट कि जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर साइन होनी चाहिए किसकी मेकर की साइन होनी चाहिए मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं पे करूंगी तो मेरी साइन होना ज़रूरी है ना कि हाँ मैं रेडी हूं वरना कोई भी कुछ भी लिख दे तो कैसे होगा कि हाँ ये सामने वाले पर्सन ने लिखा उसकी साइन होगी तब ऑथराइज होगा ना वो ऑथेंटिकेट तभी मानेंगे तो ये एक फीचर हो गया एंड द लास्ट फीचर इज पर्सन टू होम प्रोमिस इज मेड मस्ट बी डेफिनेट पर्सन जिस पर्सन को पेमेंट करने की बात कही जा रही है वो पर्सन एक डेफिनेट पर्सन हो ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ कि मैं किसी को भी पे कर रही हूँ राइट मतलब पेमेंट जिसको करना है वो पर्सन नोन हो कि जिसको पेमेंट करनी है राइट नेक्स्ट इज वॉट पार्टीज टू प्रोमिसरी नोट अब प्रोमिसरी नोट में कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं तो एक हो गई आपकी मेकर मेकर कौन हो गया पर्सन हु प्रोमिस टू पे मतलब जो प्रोमिस कर रहा है कि वो पे करेगा वही तो राइटिंग करेगा वही मेकर होगा तो जो बनाता है उसे मेकर कहेंगे और वो क्या लिखेगा कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं ये पे करूंगा तो पर्सन हु प्रॉमिस टू पे जिसे पे करना होता है उसे हम मेकर कहते हैं सेकंड इज इज व्हाट पर्सन टू द द अमाउंट अमाउंट ऑफ नोट नोट पेबल में जो पे करने की बात कही गई है जिसको पे की जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा कि आपका पे कहलाएगा राइट एंड नेक्स्ट इज वॉट होल्डर तो होल्डर क्या हो गया आइदर द देई और द पर्सन टू होम द नोट मे हैव बीन इंडोर्स तो होल्डर मतलब क्या हो गया जिस जो होल्ड करके रखा है जिसके पास है तो या तो वो पे ही खुद होगा कि जिसको पेमेंट मिलने वाली है वो उसके पास वो बिल होगा वो प्रोमिसरी नोट होगा तो वो होल्डर बन जाएगा या फिर किसी और को अगर पे ने एंडोर्स कर दिया है इंडोर्समेंट एक टर्म होता है कि लाइक मेरे पास प्रोमिसरी नोट है पर मैं वो मुझे भी किसी को पे करना था तो मैंने मैं पैसे पेमेंट ना करके वो प्रोमिसरी नोट ही उसे दे देती हूँ कि जो मुझे ए देने वाला था वो डायरेक्टली आपको दे देगा क्योंकि प्रोमिसरी नोट आपके पास है तो मैं उस पेपर के पीछे बैक साइड में जाके साइन कर दूंगी तो उसे हम कहते हैं इंडोर्समेंट करना राइट तो जिसे इंडोर्स किया गया है या तो वो तो होल्डर कोई भी हो सकता है जिसके पास होल्ड करके रखा गया है तो तीन पार्टीज हो गई मेकर पे एंड होल्डर तो होल्डर वही होता है जिसको रिसीविंग होती है तो पे एंड होल्डर इज द सेम पर्सन हो सकते हैं राइट मेकर जो साइन कर रहा हो तो अब हम क्या करते हैं देखते हैं नोट तो हो गया। अब हम देखते हैं, क्या होता है। तो को 5 में किया गया है। क्या बोला गया इट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग ओनली टू और टू दर्टन पर्सन और बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट तो बिल ऑफ एक्सचेंज बता दूं बिल ऑफ़ एक्सचेंज का जो ये टर्म है वो मेनली बिजनेस ये सारे बिजनेस पर्पज़ में यूज़ होते हैं तो जब ट्रेडिंग होती है तो रॉ मटेरियल वगैरह परचेज कर रहे हैं या परचेजर और सेलर होते हैं तो हमेशा जो है जो बिज़नेस डील होती है वो कैश में नहीं होती है मतलब वो क्या होता है कि सामान की डिलीवरी कर दी जाती है पेमेंट के लिए ड्यू रखा जाता है तो उन सब पर्पज़ में बिल ऑफ़ एक्सचेंज यूज़ किया जाता है राइट और दूसरी चीज़ है बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत अच्छा खासा न्यूमेरिकल सॉल्व किया जाता है उसमें न्यूमेरिकल होते हैं राइट अब ये क्या कह रहा है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि ये क्या है एक इंस्ट्रूमेंट है तो राइटिंग में होगा ही होगा करेक्ट कैसा है उसमें क्या लिखा है अनकंडीशनल ऑर्डर यहाँ पे अंडरटेकिंग की बात नहीं है यहाँ पे ऑर्डर की बात हो रही है तो जो राइटिंग में होगा वो राइटिंग में क्या चीज हो जाएगी ऑर्डर दी जा रही होगी और उस पर क्या होगा साइन होगा साइन बाय द मेकर जो बनाया है जिसने लिखा होगा वो उसकी साइन होगी क्या होगा उसमें डायरेक्टिंग टू अ सर्टेन पर्सन किसी पर्सन को डायरेक्ट किया जा रहा होगा बोला जा रहा होगा टू अ सर्टेन सम ऑफ मनी कि आप इतना एक फिक्स अमाउंट सर्टेन सम ऑफ मनी पे करें किसको ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन सर्टेन पर्सन को या उसके ऑर्डर पे किसी और को और टू द बेयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट या फिर जिस पर्सन ने उस इंस्ट्रूमेंट को बेयर करके रखा होल्डर है उसे उसे आपको पे करना है मतलब मैं ऑर्डर दे रही हूँ जगह रिटर्न डॉक्यूमेंट्स है जिसमें मैं ऑर्डर दे रही हूँ कि मिस्टर बी को कुछ पेमेंट करना है मेरे ऑर्डर पे जिसका नाम भी मैं मेंशन कर दूँगी उसे अ सर्टेन सम ऑफ़ मनी इतने टाइम पीरियड के बाद तो वो क्या कहलाएगा बिल ऑफ एक्सचेंज कहलाता है ओके okay, अब हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की तो रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिल ऑफ़ एक्सचेंज क्या हो गया कि मस्ट बी इन राइटिंग राइटिंग में होना चाहिए क्योंकि एक इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट होता है जो चीज़ राइटिंग में होगी राइट मस्ट बी इन राइटिंग मस्ट बी एन ऑर्डर टू पे यहाँ पे ऑर्डर होना चाहिए किस चीज़ का पेमेंट करने का कि ऑर्डर दिया जा रहा हो कि आपको ये चीज़ पे करनी है ठीक है उसके बाद क्या हो गया आपका ड्रॉवर मस्ट बी साइन द इंस्ट्रूमेंट तो जिसने बनाया है उस इंस्ट्रूमेंट को मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड ड्रॉवर उसकी साइन होना जरूरी है पर साथ ही में एक्सेप्टेंस होना ड्रॉइंग की भी जरूरी है मीन्स जिसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आपको पे करना है उसके थ्रू बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया जाना भी उतना ही रिक्वायर्ड है मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई ड्रॉइंग ओके नेक्स्ट इज वॉस सम मस्ट बी सर्टेन जो अमाउंट पे करना है वो सर्टेन सम ऑफ मनी होनी चाहिए देन मस्ट बी एक्सेप्टेड बाई ड्रॉइंग ऑब्वियसली मैंने बोला कि आपको ड्राॅइंग के थ्रू वो एक्सेप्ट किया जाना इंपॉर्टेंट है देन अब क्या हो गया कि कौन कौन सी पार्टीज प्रोमिस बिल ऑफ एक्सचेंज में इन्वॉल्व है तो बिल ऑफ एक्सचेंज में एक हो गई आपके ड्रॉवर ड्रॉवर इज वॉट मेकर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज जिन्होंने बनाया है बिल ऑफ एक्सचेंज को फिर नेक्स्ट इज वो ड्रॉइंग ड्रॉइंग अ पर्सन डायरेक्टेड टू पे द मनी बाई द ड्रावर ड्रॉवर जिसे डायरेक्ट कर रहा है कि आपको पे करना है उसे हम ड्रॉई करते हैं मीन्स ऑर्डर देने वाला ड्रॉवर हो गया और जिसे पेमेंट करनी है वो ड्रॉई हो गया ड्रॉई पे लिखा जाता है ओके okay, ड्रॉवर के द्वारा बिल ऑफ एक्सचेंज नेक्स्ट इज बॉ पे पे कौन हो गया पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू होम मनी इज डायरेक्टेड टू बी पेड बाई द इंस्ट्रूमेंट पे वो पर्सन हो गया जिसका नाम मेंशन है जिसको इंस्ट्रूमेंट में जो अमाउंट लिखा गया उसको पे करना है तो ड्रॉवर और पे सेम पर्सन हो सकते हैं अंटिल कि उसे इंडोर्स ना किया गया हो ओके okay, तो अब हम देखते हैं कि ये तो बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका चेक क्या होता है राइट right? अब चेक को जो डील किया गया है वो है सेक्शन सिक्स में चेक को डील किया गया है

पेबल होगा जब तक कि उसके डिमांड नहीं की जाएगी ठीक है जब डिमांड की जाएगी तब वो पेबल होगा और इसमें क्या इंक्लूड किया गया ये जो टर्म है एंड इट इंक्लूड्स द इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकटेड चेक एंड अ चेक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ये लाइन पूरी अमेंडमेंट के बाद इस सेक्शन में इंट्रोड्यूस की गई वो इसलिए इंट्रोड्यूस की गई थी क्यों क्योंकि अब डिजिटलाइज हो रहा था तो अभी की बात नहीं है काफी टाइम पहले ही इसको अमेंड करके डाला गया था तो डिजिटलाइज होने की वजह से चेक के डेफिनेशन में ये एक लाइन और इंक्लूड की गई कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक इमेज में हो उसको हम आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो हो और ये चीजें कंटेन कर रहा होगा उसे हम चेक कहते हैं ओके okay, चेक जो है थ्री फॉर्म्स में ड्रॉन होता है दैट इज वन इज बेरर चेक बेरर चेक क्या होता है बेरर चेक इज व्हाट टू बी पेड टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और एनी पर्सन हु होल्ड्स इट राइट बेरर मतलब बेरर मतलब होता है जो होल्ड करके रखा है जो बेयर कर करके रखा है तो जब चेक जो होता है चेक में बियरर का जो वर्ड होता है उसे कैंसिल नहीं किया गया होता है कट नहीं किया गया होता है तो इन दैट केस क्या होता है जो भी इस चेक को बियर करेगा या जिसका नाम मेंशन है उसी को वो चेक पे हो जाएगा दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात होती है बियर चेक में ये होती है कि ये ओवर द काउंटर होता है ओ होता है ओवर द काउंटर इन द सेंस कि जो भी बियर कर लेगा उस चेक को वो जाके बैंक के काउंटर पे काउंटर पे चेक दिखा के कैश ले सकता है Right, that is bearer check. Next is what order check. Order check is what. पेबल टू अ पर्सन विदाउट एनी प्रोविशनरी वर्ड अब ऑर्डर चेक क्या हो गया जिस पर्सन का नाम होता है ना कि ऑर्डर टू पे मिस्टर एक्स मिस्टर वाई जो भी होगा तो मतलब वहां पर हो गया कि इन्हीं पर्सन को स्पेसिफिकली बोला गया कि इन्हीं पर्सन को पे करना है कि तो वो क्या हो गया ऑर्डर चेक हो जाता है अब आपको थोड़ा सा हो रहा हो कि ऑर्डर और बेर चेक में क्या डिफरेंस हुआ अब एग्जैक्टली exactly अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताऊँ तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी सपोज करिए कि एक चेक है जिसपे की बेरर वर्ड को कट या कैंसिल नहीं किया गया राइट? तो मतलब वो कैसे चेक, हो गया? बेरर चेक हो गया तो अब क्या होगा खो जाता है जब वो चेक खो गया और अब क्या हुआ? वो चेक किसी और को मिला तो अगर वो बेरर चेक हुआ तो वो चेक जिसको मिला वो गया बैंक में और बैंक में कैश करा के ले आ सकता है क्यों क्योंकि वो बेयरर चेक था जो होल्ड करेगा जो बेयर करेगा उसको पेमेंट मिल जाएगी लेकिन अगर ये ऑर्डर चेक होता तो सिम वो जो सेम पर्सन है उसी पर्सन को वो पे होता जिसमें उसका नाम ना कि जो लॉस जिसको मिला है वो चेक उसको मिल जाता तो अगर प्रैक्टिकली बोले बेयरर चेक बहुत रिस्की चेक होता है और अब तो वो बिल्कुल भी यूज़ भी नहीं होता है कि बेयरर चेक को यूज़ कर रहा हो बिल्कुल भी नहीं इवन अब जो प्रिंटेड फॉर्म में चेक आते हैं वो भी क्रॉस चेक कहलाते हैं राइट तो नेक्स्ट इज वो क्रॉस चेक मैं आपको बताती हूँ एक्जैक्टली क्रॉस चेक क्या होता है क्रॉ चेक इज अ चेक विच कैन बी ओनली कलेक्टेड थ्रू अ बैंकर इट मे बी जनरल क्रॉसिंग और स्पेशल क्रॉसिंग तो क्रॉस चेक जैसे मैंने बोला ओटीसी तो ओटीसी दैट इज ओवर द काउंटर तो ऑर्डर चेक और बेर चेक दोनों क्यों counter counter के केस right? में क्या होता है कि ये ओटीसी होते ओवर द काउंटर होते हैं काउंटर पे जाके आप पेमेंट ले सकते हैं राइट लेकिन क्रॉस चेक में क्या होता है क्रॉस चेक में आप ओटीसी की नहीं है आप काउंटर पे जाके कैश नहीं मांग सकते हैं वो क्या होगा अकाउंट में पे होगा सीधे जिस पर्सन का नाम वहां मेंशन है उस पर्सन के अकाउंट में पैसे चले जाएंगे आप चेक लगाओगे उस पर्सन के अकाउंट में पैसे डिपॉजिट हो जाएंगे तो उसे हम कहते हैं क्रॉस चेक करते हैं अब क्रॉस चेक दो तरीके से होती है एक

इसी को हम जी अब ये पैसे कहाँ मिलेंगे सीधा बैंक अकाउंट में मिलेंगे इसी को हम क्रॉस चेक कह रहे हैं इसी को हम जनरल क्रॉसिंग कह रहे हैं पर अब अगर मैंने उसी दो पैरल लाइन में लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया सपोज मैंने वो दोनों पैरल लाइन ड्रॉ की और उसके अंदर लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया देन क्या हो गया कि अब ये जो चेक है उसका अमाउंट डिपॉजिट होगा ओनली टू बैंक ऑफ इंडिया किसी और बैंक के अकाउंट में मतलब जिस पर्सन का नाम हमने लिखा है वो पर्सन का बैंक ऑफ इंडिया में जो अकाउंट होगा उसी अकाउंट में ये अमाउंट डिपॉजिट होगा दैट इज अ स्पेशल क्रॉसिंग चेक राइट इसके अलावा भी बहुत टाइप के चेक होते हैं लाइक एंटी डेटेड चेक पोस्ट डेटेड चेक स्टील चेक मोटीलेटेड चेक ये सारे टाइप ऑफ चेक होते हैं जो कि उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं कि मतलब आप उसको स्पेसिफिकली पढ़िए बट अदरवाइज टाइप ऑफ चेक के लिए बहुत सारे होते हैं देन अब इज नेट इज वॉट कि चेक के पार्टीज कौन सी होती हैं तो एक हो गई आपकी ड्रॉवर ड्रॉवर इज वॉट मेकर ऑफ द चेक ड्रॉवर इज वो मेकर ऑफ द चेक या अकाउंट होल्डर बैंक में क्या हो गया अगर चेक बैंक की बात होती है तो उसमें बात कर जिसका अकाउंट जो अकाउंट होल्डर होता है वही ड्रॉवर होता है क्योंकि वही तो चेक लिख के दे रहा होता है किसी को पेमेंट करने के लिए नेक्स्ट इज वोट ड्रॉई ड्रॉई कौन हो गया ड्रॉई मतलब डायरेक्टली टू पे द मनी बाय द ड्रॉवर मनी जिसको डायरेक्ट कर रहा है कि आप पेमेंट करो तो यहाँ पे चेक की बात करें तो यहाँ पे हम किसको पेमेंट ड्रॉ डायरेक्ट कर रहे होते हैं बैंक को कि आप पेमेंट कर दीजिए तो बैंक क्या हो जाता है यहाँ ड्रॉविंग हो जाता है नेक्स्ट इज वॉट पे pay the person या order named in the check to whom money is directed to be paid by the instrument जिसका नाम उस check पे मेंशन है जिसको पेमेंट मिलनी है that is pay sometimes अगर मैंने लिख दिया check पे to self कई बार to self करके भी हम check कट करते हैं right तो उस केस में क्या हो गया ड्रॉवर और पे इज द सेम पर्सन करेक्ट तो ये हो गया हमारा चेक का आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रामिसरी बिल निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है प्रोमिसरी नोट क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है चेक क्या होता है तो एक बार सेक्शन की बात अगर करूँ तो निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट को सेक्शन थर्टीन डील करता है उसमें सिर्फ तीन बातें बताई गई कि निगोशियबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स कौन हो गया प्रोमिसरी नोट हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया और चेक हो गया राइट इन्हीं को कहते हैं अब प्रोमिसरी नोट को हमने देख लिया तो सेक्शन फोर प्रोमिसरी नोट सेक्शन फाइव बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन सिक्स चेक हो गया इससे तो सेक्शन एट होल्डर होता है सेक्शन नाइन होल्डर इन ड्यू कोर्स होता है तो इस तरीके से आप सेक्शन याद करोगे तो आपको सेक्शन भी याद हो जाएगा तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा विश यू ऑल द बेस्ट थैंक यू